लीजिए दोस्तों, मैं उपासना आज आपके लिए लेकर आई हूँ चुकंदर से बनने वाली दो मज़ेदार रेसिपी। दो रेसिपी बनाएंगे हम, आप इसके बाद एक एक किलो चुकंदर खाएंगे रोज की। इस चीज़ की मेरी गारंटी है और बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप में हेमोग्लोबिन की कमी है तो ज़रूर से शामिल करिए इसको। वैसे सलाद वगैरह में भी खा लेते हैं पर उतनी अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको दो मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी और बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चुकंदर लिए हैं और इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। दो तीन बार धोने के बाद भी ये ऐसी दिखती हैं। चलिए इसको पहले काट लेते हैं छील कर अच्छे से। पहले इसको पीछे का पार्ट काट देंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी चुकंदर ले सकते हैं। थोड़ा कद्दूकस करने में मुश्किल होती है पर छोटी ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक मेरे पास बड़ी है और थोड़ी छोटी है। बस पहले पीछे का पार्ट काट देंगे क्योंकि दिखने में भी गंदा सा लगता है और छूने का भी मन नहीं करता है धोने के बाद भी। बस इसका इस तरह से छिलका उतार लेते हैं पहले। आपको भी पता होगा दोस्तों कितनी अच्छी होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर खून वगैरह की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको खाइए। आप ऐसे ही पहले डॉक्टर के कहने से पहले ही शामिल करिए अपनी डाइट में, कभी भी आपको अनीमिया वगैरह नहीं होगा और बच्चे भी खूब खाएंगे जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी उसके बाद। बस अभी मैंने तीन चुकंदर छील लिए, दो मैं बाद में छील कर लूँगी जब दूसरी रेसिपी बनाऊँगी। अभी इतनी काफ़ी है हमें, थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ जो मैं बना रही हूँ। बस देखिए मोटा वाला ग्रेटर ले लें इस तरह से और इससे हम इसको कद्दूकस करेंगे बस फटाफट से। थोड़े हाथ तो लाल हो जाते हैं इससे पर बहुत अच्छी होती है जैसे मैंने बताया स्वास्थ्य के लिए। ज़रूर से इसको इंक्लूड करिए अपने खाने में। बस इसको मैंने ग्रेट कर लिया, इसको साइड पर रखते हैं। एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं हम इसके बाद। ये मज़ेदार सा मसाला हम आगे इस रेसिपी में यूज करने वाले हैं। एक टीस्पून मैंने लाल मिर्ची ली है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं पर वो क्या ज़्यादा तीखी होती है इसलिए मैंने बस यही ली है। और थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून लगभग, ये यहाँ पर काला नमक थोड़ा सा। दोनों नमक का यूज करिए, काला और वाइट। चाहे तो आप सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। लगभग एक चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला। ये मेरे पास भुना हुआ जीरा पाउडर है और इसमें मैंने काली मिर्च को भी बस रोस्ट करके भून के रखा है दोनों चीज़ों को। लीजिए हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार है। इसको आप किसी भी चीले वगैरह पर किसी पर भी यूज कर सकते हैं और रायते में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से बना के रखिए, बहुत मज़े का बनता है। फिर आपको बार बार सब चीज़ें अलग अलग डालनी नहीं पड़ती हैं। एक बार बना लीजिए इस तरह से और स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए चलते हैं बस अब अपनी रेसिपी बनाने फटाफट से। ये यहाँ पर हमने अपना तवा गरम कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा कच्चा नारियल लिया है ग्रेट करके। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, है तो ज़रूर से यूज करिए। बस तवे को गरम करते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें बटर चाहिए होगा इसके लिए। मेरे पास ये घर का ही मक्खन है, अगर आप बाहर का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हल्का सा तवे को पहले ग्रीस करेंगे। अभी तो आपको देख कर शायद पता ही चल गया होगा हम क्या बनाने वाले हैं। हम चुकंदर का डोसा बनाने वाले हैं दोस्तों। बस तवे को एकदम बढ़िया सा गरम करके थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे ताकि बढ़िया सा एकदम टेम्परेचर हो जाए इसका। और हाँ दोस्तों, उसके लिए मैंने पहले से ही घोल बना के रखा है, पहले भी मैंने उसकी रेसिपी डाल रखी है। आप देख सकते हैं डोसे का बैटर कैसे तैयार करते हैं। मैंने तीन तरह की दाल का यूज किया है इसमें और चावल का यूज किया है। बस इस तरह का रखिए, बहुत ज़्यादा पतला मत करिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जब आप डोसा बना रहे हैं। बस नमक डाल दीजिए थोड़ा सा पहले, बनाने से पहले नमक मिक्स कर लिया है मैंने इसमें। बस इस तरह से डालेंगे चमचे से और इसको इस तरह से फैलाएंगे। बस एक मिनट के लिए इसको इस तरह से ढक देंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा मोटा फैलाया। कई बार क्या है, पहला पहला डोसा हमारा ख़राब हो जाता है, उससे कोई बात नहीं है, अगले अच्छे आने लग जाते हैं इस तरह से। इस समय पे थोड़े से बटर का यूज करिए। मेरे पास तो जैसे मैंने बताया घर का ही बनाया हुआ घी है, जो हम बाहर से बटर लेकर आते हैं उसमें हल्का सा नमक होता है। चाहे तो आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से लगाइए। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं काफ़ी लगा रही हूँ इसमें। अब इसके ऊपर बीटरूट फैला देते हैं अच्छे से। आप चाहें तो खूब सारा फैला सकते हैं इस पर। इस तरह से आप काफ़ी सारे बीटरूट कंज्यूम कर पाएंगे दोस्तों। कभी करके देखिए, बहुत सुपर टेस्टी बनते हैं। और यदि आप मसाला ये वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ गन पाउडर का यूज कर सकते हैं। वो मेरे यहाँ पर कम पसंद करते हैं, मैं कभी कभी बनाती हूँ। मैं इसी तरह के मसाले के साथ इसको बनाती हूँ बस। और मूँगफली वाली चटनी बनाती हूँ थोड़ा सा। बस ये भी फैला देते हैं नारियल भी। अभी इस के ऊपर अपना ये मसाला छिड़क देते हैं इस तरह से अच्छे से ताकि बढ़िया सा टेस्ट आ जाए एकदम जबरदस्त सा। बस देखिए ऊपर से हल्का सा ब्राउन आने लग जाता है जब ये तैयार हो जाता है, आपको अपने आप से पता लग जाएगा। और किनारे छोड़ना भी शुरू कर देता है, आराम से उतार पाते हैं नॉन स्टिक जो हम तवे का यूज करते हैं। कई लोग तो वैसे पर भी बना लेते हैं, नॉर्मल वाले तवे पर भी, उस पर भी आराम से बन जाता है।
देखिए दिख रहा है ना कितना मज़ेदार। अब हम इसको सर्व करते हैं। चलिए दूसरा भी बना लेती हूँ मैं फटाफट से। मैंने इसके साथ मूंगफली वाली चटनी बनाई है, मेरे घर में ज़्यादा वही पसंद करते हैं। बिना सांभर के ही मैं इसको बनाती हूँ, पर दोस्तों यकीन मानिए मज़े का बनता है एकदम। बस इसको इस तरह से पोंछ लेंगे, बार बार कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा फैला देते हैं। बस दूसरा डोसा भी सेम इसी तरीके से फैला दें। आप प्लेन कटोरी का, नीचे से जो प्लेन कटोरी होती है उसका यूज करेंगे तो फिर ये लाइनें नहीं बनेंगी, एकदम बढ़िया बनेगा। आपने देखा होगा साउथ इंडियन लोग उसी से बनाते हैं ज़्यादातर, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में। चलिए सर्व कर लेते हैं। लीजिए हमारे दो बीट रूट के मज़ेदार डोसे बनकर तैयार हैं। दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइए, कमेंट करके बताइए कैसे बने। चलिए दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए दिख रहे हैं ना एकदम मज़ेदार। बस इस तरह से आप किसी भी चटनी के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। चलिए शुरू करें दूसरी वीडियो। ये यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही लिए और इसको अच्छे से फेंट लिया और कुछ नहीं मिक्स किया इसमें। इसमें बीट रूट डाल देते हैं। मैंने 2 छोटे वाले बीट रूट इसमें डाल दिए कद्दूकस करके। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो हल्का सा इसको पका कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कच्चा ही यूज करती हूँ। कच्चा ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी रहता है। जो हमने अभी मसाला बनाकर तैयार किया था वही डाल दिया है मैंने इसमें। अलग अलग से कुछ ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मिक्स करेंगे और करी पत्ता है तो उसका तड़का लगाइए आप इसके ऊपर। चलिए एक तड़का भी तैयार करके ले आती हूँ मैं जब तक। ये यहाँ पर मैंने करछी में जीरा भून कर तैयार कर लिया। चाहे तो सरसों के तेल से लगा सकते हैं, चाहे तो घी से लगा सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। वैसे इसमें करी पत्ते का फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार आता है, पर आज मेरे पास है नहीं तो मैं इसलिए इसका यूज कर रही हूँ। थी ना दोनों ही रेसिपी मज़ेदार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे और बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू।